अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर मैं आप लोग के पास मौजूद हूँ एक ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के लिए। वहाँ ये जो ख़बर है, ये जो स्टूडेंट तलबा तालबात जो है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने फॉर्म जमा करा दिया है और इन्होंने जो किसी ने अगर जमा नहीं कराया है उनके लिए भी इत्तला है कि जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो है, वो इस वक्त जो है आखिरी तारीख है 6 अक्टूबर थी, जो पहले जो बढ़ के जो है वो 8 अक्टूबर हुई थी, जो कि आज आखिरी दिन था। तो अभी जो ताज़ा तरीन इतलाई है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस, सिंध कराची। इट इज़ अनाउंस दैट द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एंड इशुएंस एंड सबमिशन ऑफ मैनुअल प्लेसमेंट फॉर्म फॉर एडमिशन इन क्लास 11 इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ कराची रीजन अंडर सिंध ई सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम सिकैप इज हेयर बाई एक्सटेंडेड अप टू 13/10/2020। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर प्लेसमेंट फॉर अप टू 13/10/2020। नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी मेड आफ्टर 13/10/2020। तो एक ये उन तमाम तलबा तलबात के लिए भी अच्छी खबर है जो परेशान भी थे, और क्योंकि आज चेहलुम की वजह से तातील भी थी और रास्ते वगैरह बंद थे, डाइवर्जन भी थी और परेशान थे, और मुझे फ़ोन भी आ रहे थे दूसरे शहरों से और तलबा तलबात जानना चाह रहे थे कि अब हम किस तरह करें, आखिरी तारीख है, हमने अब जमा भी नहीं कराया है। तो मैंने तो मशवरा दिया कि उनको ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, और जो कराची में मौजूद हैं वो जो है कि मोर सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो मतलब एक बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं डायरेक्टर कॉलेजेस के दफ्तर में, तो उससे आपको ज़्यादा जो जो सेटिस्फेक्शन होगी। जो अदर बोर्ड्स वाले हैं, जो कराची बोर्ड से जिन्होंने मैट्रिक किया है, वो तो ऑनलाइन ही जमा कराएंगे जिस तरह जमा करा रहे थे। तो एक अच्छा मौका दिया है गवर्नमेंट सिंध ने, और जो है तारीख में जो है वो 13 जो है अक्टूबर 2020 तक तौसी कर दी गई है। तो आप लोग वो तमाम तलबा तालबात जिन्होंने अभी तक जो है सिकेप एडमिशन फॉर्म जमा नहीं कराया है, ऑनलाइन सबमिट नहीं कराया है, या फिर अदर बोर्ड वाले जो हैं उन्होंने अभी सबमिट नहीं कराया है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो फौरी तौर पर वो जमा करा दें, क्योंकि डायरेक्टर कॉलेज ने लिखा हुआ है कि इसमें मज़ीद तौसी नहीं की जाएगी। तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ और फौरी तौर पे जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जमा करा दें, और दूसरे बोर्ड्स के तलबा तालबात भी जो है वो जमा करा दें। वो कुछ तलबा तालबात ये मालूम कर रहे थे कि हमें क्या करें, मतलब इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाएं। मैंने उनको कहा है कि मार्कशीट की तो एक कॉपी तो ज़रूरी चाहिए फौरी एडमिशन के लिए, अटेस्टेड कॉपी जो है वो जो अदर बोर्ड वाले हैं वो जो है वो उसके फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। तो बाकी माइग्रेशन वगैरह भी वो रेडी रखें, बाद में ज़रूरत पड़ेगी कॉलेज में जो है वो दाखिले की फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने के लिए, तो माइग्रेशन वगैरह जो है आप अपने बोर्ड से लेते भी रहें, ले लें ताकि आपको मुश्किल ना हो, और बर वक्त जो है वो आप कॉलेजों में जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए तो आप दाखिले की कार्रवाई जो है मुकम्मल कर लें, क्योंकि जो 13 अक्टूबर जो लास्ट डेट है, इसके जैसे लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद ये विद इन वीक और मैं खैर 2-3 डेज जो है वो मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। तो उसके लिए भी मैं वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, क्योंकि मैं पिछले चंद सालों से जो है वो तलबा तलबात का के लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ सिकेप कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में दाखिलों से मुतल्लिक। तो वो तमाम तलबा तलबात जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो शेयर करूँ और वो आप लोग तक पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।